सरकार के मंत्री लगातार किसानों से आंदोलन को लेकर अपील कर रहे हैं, लेकिन मामला कृषि कानून की वापसी पर अटक गया है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरी बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूं कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है? दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता, क्या ये ठीक है? There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात और चर्चाएं लगातार सिलसिलेवार न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से, मतलब आज से 19 साल पहले, ये किवायत शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। किसान कानून की वापसी पर अड़ गए हैं तो वहीं सरकार कानून पर अड़ी है और इन सब के बीच सियासी दल अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सरकार बड़े खुले मन से बातचीत कर रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और शुरुआत में बातचीत भी हुई। कभी उन्होंने लिखकर मांगा तो सरकार ने कहा लिखकर देंगे, कभी उन्होंने कहा अमेंडमेंट चाहिए तो सरकार ने कहा अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन ये जो सारे चर्चा करने वाले ग्रुप्स है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते नहीं है कि आंदोलन खत्म हो, उनके दिमाग में राजनीति है। वो लोग ये चाहते हैं कि लगातार आंदोलन चलता रहे। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो कानून अभी कृषि सुधार बिल कानून में परिणत हुए हैं, जब से ये नोटिफाई हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं आप देखेंगे, उन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गांव, गरीब और किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी किसानों को लेकर भ्रम फैलाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं। राहुल जी कितना समझते हैं किसानी को? हाँ, माना उनके जीजा जी किसान है, मगर वो कितना समझते हैं किसान? ऐसा माना जाता है कि किसी भी आंदोलन को अगर लंबे समय तक ले जाया जाए तो उसकी वो स्पीड ख़त्म हो जाती है, उसकी तीव्रता ख़त्म हो जाती है। तो उसी रास्ते पर भारत सरकार चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम बात करेंगे तो उनके दबाव में बात करनी पड़ेगी, और अगर लंबा खींचेंगे तो धीरे धीरे लोग थक जाएंगे और फिर हम अपने शर्तों पर उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन अमरिंदर के सुर क्यों बदल गए? क्यों पहले वो किसान कानून का विरोध कर रहे थे, कहा कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और अमित शाह जी से मिलने के बाद वही कृषि आंदोलन, वही किसान आंदोलन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया? उन्होंने जवाब दिया नहीं। आम आदमी पार्टी खुद ही बीजेपी की बी टीम है, उनसे उनके उनको सफाई देने या उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मुद्दा है किसान, और बीजेपी ये साजिश करके उनके निर्देश पे वो बैठे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाए। जो आप भी उस जो दिख रहा है आम आदमी पार्टी को, किसानों के आंदोलन से क्या लेना देना भाई? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।